नशे को रोकने के लिए पुलिस जितने दावे कर रही है उतना ही अधिक नशा फतेहाबाद जिले में बिक रहा है। जिले का युवा खासकर टीनएजर नशे का शिकार हो रहे हैं। शराब से लेकर हीरोइन तक नशीला पदार्थ जिले में बहुत ही आसानी से मिल रहा है। नशेड़ियों की माने तो चिट्टे जैसे नशीले पदार्थ का इंजेक्शन 200 रुपए तक बाजार में आसानी से मिल जाता है। यही वजह है कि जिले में नशे का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं पुलिस की माने तो जिले को नशे से मुक्त करने के लिए पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर भरसक प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप के अनुसार पिछले एक माह में पुलिस ने जिले में 100 से अधिक मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए हैं। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नशे का व्यापार जिले में कहां तक फैला हुआ है। जिले के शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने में नशा बिक रहा है। जानकारों की माने तो पंजाब से सटा होने के कारण जिले में नशा बड़ी आसानी से आ रहा है और यहां से प्रदेश की सीमा से पार भी जा रहा है। पुलिस के अनुसार जाखल डोहाना जैसे पंजाब से सटे इलाकों में ट्रेन की कनेक्टिविटी भी सुलभ है। ऐसे में नशा तस्कर दिल्ली से अपने अकाओं से नशा ट्रेन के माध्यम से लेकर आते हैं और बड़ी आसानी से इलाके में फैल जाते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रेलवे नेटवर्क के जरिए नशा तस्करी को रोकने के लिए जिला पुलिस जीआरपी का भी सहयोग ले रही है। उन्होंने बताया कि नशे जैसे सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए केवल प्रशासनिक प्रयास ही काफी नहीं है, इसके लिए सामाजिक स्तर पर हर आम और खास व्यक्ति को आगे आना होगा ताकि युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाया जा सके। पुलिस अधीक्षक के अनुसार जिले में नशाखोरी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में योग मैराथन साइकिल यात्रा और सेमिनार का आयोजन करेगी और इसके लिए सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। जिले में शहर और ग्रामीण स्तर पर यूथ क्लबों का गठन कर नशे से लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों से लोगों की डिमांड रही है और लोगों का कहना ये रहा है कि जिले में नशा ज़्यादा बिकता है, नशे के आदि ज़्यादा लोग हैं। तो वैसे तो उसको जब हम लोगों से पूछते हैं कि आपके कितने रिश्तेदार या जानकार नशा करते हैं तो उनका उत्तर नील होता है। फिर भी अगर इतने लोग कह रहे हैं तो बात कहीं ना कहीं उसमें दम हो सकता है। तो हमने एक विस्तृत प्लान बनाया है और उसको कल से हम लागू कर चुके हैं। इस प्लान के तहत करीब 200 से अधिक जो नशे के कारोबार में लोग यहाँ शामिल रहे हैं उनको चिन्हित किया गया है। करीब 60 गांव पूरे एरिया में हमारे कहीं नहीं कहीं हम नज़र आया है कि वो नशे से प्रभावित है। तमाम जो SHOs हैं, SOs हैं, हमारे CIA टीम्स हैं, उनको मैंने खुद 30 तारीख को मीटिंग ली है और उनको डायरेक्ट किया गया है कि इस प्रकार के गांव जहां नशा ज़्यादा है वहां यूथ क्लब बनाएं, अपना इंटरेक्टिविटी लेवल बढ़ाएं, कम्युनिटी पॉलिसिंग करें, जन सहयोग प्राप्त करें और जो ये बीमारी है नशे की उसको उसका उन्मूलन करें। इसी प्रोग्राम में हमने सिर्फ पुलिस का प्रोग्राम न रख के जिला प्रशासन का प्रोग्राम बनाया है, लोक संपर्क विभाग से संपर्क किया है, मेडिकल रिहेबिलिएशन के लिए CMO से संपर्क किया है और जल्द ही हम CM साहब का भी 7 तारीख को प्रोग्राम है। उसके बाद इसी महीने कुछ अच्छे बड़े इस प्रकार के कैंप का आयोजन करेंगे जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा नशे के बारे में अपने विचार रख सकें, लोगों को जो नशे की बुराई है उसका उजागर करते हुए उनका सहयोग प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ें। आप पत्रकार बंधुओं से भी यही अपील करते हैं कि मैंने एक नंबर जारी किया है, बेझिझक जिस आदमी को, जिस औरत को, जिस बच्चे को इस प्रकार की शिकायत है वो व्हाट्सएप करे, कॉल करे। ये 24/7 नंबर ऑपरेशनल रहेगा। हालांकि प्रैक्टिकल तौर पे शायद उतना देर उसको ऑपरेट करना संभव ना हो, फिर भी जब भी कोई मैसेज मिलता है उस पर कार्रवाई करेंगे और उसके रिजल्ट्स देखते हैं कितने अच्छे आते हैं। सर, एक हमारे जो रतिया है वो इस प्रोन एरिया माना जाता है नशे को लेकर के, और अभी वहाँ पे रिसेंटली देखा गया है कि जो हीरोइन या स्मैक है उनके इंजेक्शन भी खुलेआम बिक रहे थे, तो दोस्तों कुछ ही लोगों को अभी गोरक्षा तलवारों ने पकड़ा भी है और उनको हैंड ओवर किया गया पेरेंट्स से। अगर हम अपने ज़िले में नशे की स्थिति के बारे में बात करें तो रतिया से लेकर टोहाना तक जो बेल्ट पंजाब के साथ लगता है उसमें नशा ज़्यादा है। जाखल और टोहाना में शायद ज़्यादा नशा होने का एक कारण रेल की अच्छी कनेक्टिविटी भी रही है, कहीं ना कहीं दिल्ली से नशा हमारे यहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है।
उस पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं, और हमने जीआरपी से भी लगातार जो ऑफिसर्स हैं उनके संपर्क में हैं और पहल की है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों में चुनाव और अन्य गतिविधियों में ज़्यादा व्यस्त होने के कारण उस पर काम किया तो गया, पर शायद वो मैग्नीट्यूड इतना नहीं था। किया गया इसलिए कहूँगा कि क्योंकि पिछले 3 महीने में हमने करीब 100 पर्चे दर्ज किए हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि है। इसमें हमने कुछ एनजीओ से भी संपर्क किया है, मैं बताना चाहूँगा कि वो भी कंट्रीब्यूट करे अवेयरनेस प्रोग्राम्स को रन करने में। इवन जो यूथ है, हम चाह रहे हैं कि यूथ क्लब बनाने के साथ हम कोई खेल प्रक्रियाएं जरूर उस एरिया में करें, ताकि जो बच्चों का मन का भटकाव है वो खेल की तरफ आकर्षित हो जाए, ना कि नशे की ओर। साइकिल यात्रा का प्रपोजल है और वो इसी महीने किया जाएगा, और हम चाहेंगे कि रतिया से कम रतिया से लेकर टोहाना तक 2 या 3 दिन में हम साइकिल यात्रा पूरी करेंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस अच्छे जो कार्यकलाप और अच्छी सोच है उसका हिस्सा बने और इसको कामयाब बनाने में हर संभव प्रयास करें। सर, गांव स्तर पर जो है, गांव में ज़्यादा है ऐसे जो नशेड़ी हैं वो देखे जाते हैं, तो गांव पर भी गांव में कुछ ऐसा किया जाए? हाँ, गांव में हमने जो प्रोग्राम चलाया वो 2-way pronged है। एक तो यूथ क्लब की स्थापना करना है हर गांव में, कम से कम हम सोच रहे हैं कि 20 व्यक्ति जो युवा जो कि जज्बा रखते हैं इस प्रकार के संकट में लोगों को रिहेबिलिएट करने का या उनसे नशे से बचाने की जो कोशिश करते हैं, उसके अलावा हमने कम से कम 10 आदमी जो बुज़ुर्ग सरपंच रहे हैं या एक सरपंच रहे हैं इस प्रकार के व्यक्ति जो कि पंचायती हो और निष्पक्ष तौर से ये बता सके कि कौन आदमी है जो नशे में शामिल रहा है या इस प्रकार की तस्करी करता रहा है, क्योंकि इसका इसका एक जो ड्रॉबैक है इस पूरे प्रोग्राम का वो ये भी हो सकता है कि कई बार लोग अपने विरोधियों की गलत सूचना भी दे देते हैं। तो उसमें हमने मेंशन भी किया है कि अगर इस प्रकार की भी सूचना हो, कोई गलत सूचना दे के अगर मिसलीड करता है, तो उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती है वो ज़रूर करेंगे। पर हमें उम्मीद है कि क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही समझदार हैं, और जब उन्होंने खुद ही सामाजिक बुराई के तौर पे इसको हमारे सामने रखा है, तो समाज का भी कर्तव्य है कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और इस पूरे प्रोग्राम को उम्मीद स्वरूप सफल बनाएं। और मुझे पूरा यकीन भी है कि हम तब तक इसको जारी रखेंगे जब तक कि हम लोगों को ये इंश्योर ना कर सकें कि अब वो एक बेहतर समाज और समाज का हिस्सा बन चुके हैं।